कहा दिक्कत है, किसने कहा दिक्कत है, हम बस इतना पूछ रहे हैं। जो पुराना संसद भवन है वो टपक रहा है, चूर आया है, कहा हो रहा है हमें? जब तक हम तो जाते हैं, खाली हो गया, कैसे टेंट तब फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। ये अब ये देख लीजिए इनका, ये जो है ये हम लोकतंत्र के दायरे में जा रहे हैं। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा, सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए कल दो तस्वीरें जो है वो दिल्ली से नजर आई, एक तस्वीर वो जिसमें नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया, और दूसरी तस्वीर वो बनी जब जंतर मंतर पर बैठे पहलवान जो पिछले एक महीने से वहां पर बैठे थे उन्हें घसीटा गया, पुलिस उन्हें हिरासत में ले गई। इसी मुद्दे पर बातचीत आज करेंगे पूनम पंडित से, कल तो मौजूद आप थी नहीं वहां पर। नया संसद भवन बना, एक उद्घाटन हुआ बड़े भव्य तरीके से, और दूसरी वो तस्वीर थी जब पहलवानों को घसीटा गया, हिरासत में उन्हें लिया गया, ये एक तस्वीर थी। और जिससे एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है, एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये धरना अब खत्म हो चुका है? आपने बोला कि आप वहां नहीं थी, आप मैं ही नहीं, वहां बहुत से लोग नहीं थे, क्योंकि प्रधान सेवक की पुलिस वहां तक पहुंचने देती तभी तो वहां पर हम जैसे लोग होते। दूसरी बात, ये देश देख रहा है कि एक इतना अहंकारी प्रधान सेवक हो गया, जनता का सेवा करने वाला सेवक, वो अपनी सेवा को भूल करके वो अपने अहंकार में मगरूर है। ये वही बेटियां हैं जब मेडल लेकर के आई थी कि विनेश तो मेरे अपनी परिवार की बेटी है, और आज उसी विनेश और साक्षी और तमाम वो पहलवान बेटियों पर पुलिस डंडे बजा रही है, और चंद दूरी पर उद्घाटन हो रहा था, और वो क्या कर रहे, वो मार्च निकाल रहे महज तिरंगा लेकर के, और तिरंगे का भी अपमान किया है प्रधान सेवक के लोगों ने। मार्च अगले दिन भी हो सकती थी, आज के दिन हो सकती थी, दो दिन बाद हो सकती थी, कहा जा रहा है की छवि खराब हो जाती उससे, जिस प्रकार से उद्घाटन हो अब रहा है। अब क्या छवि अच्छी रही? हाँ। कि देश के सबसे प्रथम नागरिक कहे जाने वाली राष्ट्रपति जी को उसमें नहीं बुलाया, क्या अब छवि सुधर गई? तो विपक्ष ने एक मुद्दा पकड़ लिया कि राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, राष्ट्रपति का जो संदेश था वो पढ़कर भी बताया गया उसमें संसद में, वो नहीं पढ़ा। वो हमें ना बता कि वो क्या बताया गया क्या नहीं बताया गया, हम लोग सब देखते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूंगी, अगर राष्ट्रपति जी चलो बिजी थी, कहीं व्यस्तता थी, तो आप प्रोग्राम को अगले दिन करते, राष्ट्रपति जी के लिए क्या आप अपने प्रोग्राम को अगले दिन नहीं कर सकते थे? क्यों? क्योंकि उस दिन सावरकर का जन्मदिन था, सिर्फ उसी दिन करना था। क्या साबित करना चाह रहे हो आप लोग, क्या दिखाना चाह रहे हो? यही कि आप लोग सब डर जाइए, प्रधान सेवक अहंकारी हो गए, घमंडी तो कहने की बात है, सावरकर का जन्मदिन था, किसने किसने जयंती पर शुभकामनाएं दे दी हैं, किसने भी दी हो, ये हम लोग माफी मांगने वाले लोगों को और देश में आजादी की लड़ाई में हिस्सा ना लेने वाले लोगों को, विपक्ष को क्यों मुद्दा चाहिए ये बताइए ना, हर मुद्दे में विपक्ष क्यों आगे आ जाता है? सबसे पहले विपक्ष आ गया कि भाई राष्ट्रपति कहाँ है, राष्ट्रपति के हाथ से फीता कटना चाहिए, राष्ट्रपति कह रही है कि नरेंद्र मोदी ने अगर उद्घाटन किया है तो ये संतोष की बात है, विपक्ष का क्या काम है ये बताइए? विपक्ष, आप मुझे इतना बता दीजिए विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है जनता के मुद्दे उठाना, संविधान का अगर अपमान हो रहा है, ये सिर्फ राष्ट्रपति जी की बात नहीं है, ये संविधान के प्रथम नागरिक का अपमान है और संविधान का अपमान है, समझ में आया? तो संविधान देश का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है, या प्रधानमंत्री जी का या राष्ट्रपति जी महामहिम जी का नहीं है, पूरे देश का है, समस्त भारत का संविधान है, तो संविधान का अपमान है। दूसरी बात, विपक्ष बीच में आ जाता है, विपक्ष जनता की आवाज, जनता को प्रताड़ित किया जाता है तो आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। जनता को बेरोजगार किया जाता है, युवाओं को आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। महंगाई है, आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष। अगर विपक्ष बीच में आता है, इस बात को दामिनी शर्मा सजग भारत से मानती है, तो ये बात खुशी की है, क्योंकि जनता को जब भी ये प्रताड़ित करेंगे, इतने इनका कार्यकाल है, तो विपक्ष बीच में आता रहेगा। और हम वो लोग हैं कि हम ये कहेंगे कि विपक्ष आते रहना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो, विपक्ष का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि महज एक आवाज जो है जनता की वो विपक्ष हो जाती है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो जनता को तो ये पूरे खुलेआम प्रताड़ित करेंगे, तो ये अच्छी बात है, विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष का सम्मान। तस्वीरें देखिए आपने, कितने भव्य तरीके से उद्घाटन हुआ है, वो सेंगोल का उद्घाटन, उसको स्थापित कर देना कितनी बड़ी बात है, किस तरीके से मठों से जो है जो पुजारी आए थे उन्होंने जो किया उसकी तारीफ बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए देखिए, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि स्वागत बहुत भव्य हुआ। हाँ। बिल्कुल अलग हुआ। हाँ। कि देश की बेटियां तिरंगा लेकर के जा रही थी, वो बेटियां जो इस देश में मेडल लेकर के आई थी, और उनको घसीट रहे थे इनकी जो आदमी थे, इनके पुलिस वाले, वो एजेंट्स घसीट रहे थे उन बेटियों को, उन पर नट बजा रहे थे, उनको इनको जो है अरेस्ट कर दिया, और कांग्रेस के जो नेता थे वो उनको बेटियों को सपोर्ट कर रहे, किसान नेता सपोर्ट कर रहे, संगठन सपोर्ट कर रहे, किसी को हाउस अरेस्ट कर दिया, किसी को बॉर्डर पे रोक दिया, कहीं बैरिकेड लगा दिया, किसी को ऑफिस अरेस्ट कर दिया गया। बिल्कुल भव्य तस्वीरें थी, तमाम देश ने देखी थी, और मैं समझ नहीं पा रही कि वो जो पैर का जूता रखा हुआ था और साक्षी मलिक का चेहरा नीचे था, कि मैं उस तस्वीर को इस देश से छुपाऊं या मैं उस तस्वीर को दिखाऊं, मैं समझ ही नहीं पा रही हूं। अच्छा, एक लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिजभूषण के खिलाफ कि भैया ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी होनी चाहिए। बहुत भव्य देख लिया ना, बहुत भव्य
है, असर पड़ा है। अब हम समझ गए हैं जो कुछ लोग कंफ्यूज थे कि ब्रजभूषण ने जो प्रताड़ित किया इन बेटियों को, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री जी जो हमारे वो इसमें निर्णय लेंगे। सब लोग इस कंफ्यूजन में थे, लेकिन देख लिया जनता ने कि इस राजतंत्र का जो प्रतीक होता है सेंगोल, राजतंत्र का होता है ना, जानती है ना, तो इस देश में क्या है, लोकतंत्र है। तो आप लोकतंत्र को मानेंगे कि राजतंत्र? नया लोकतंत्र की शुरुआत हुई, एक नया संसद बना, एक नया देश लगातार हेडलाइन चलाई गई, लोकतंत्र है, लोकतंत्र रहेगा। इस देश में राजतंत्र नहीं होगा, इस देश में लोकतंत्र ही रहेगा। चाहे तुम सिंगल लियाओ, चाहे तुम अजय मिश्रा टैनी जो है उसको बिठा लो, मानती है ना लोकतंत्र, मानती है ना लोकतंत्र है, अभी लोकतंत्र मानती हूँ, लेकिन जिंदा है लोकतंत्र, ये मानती है ना। हम जैसे लोग, जनता जो है उस लोकतंत्र को मानती है, इसलिए इनके घर में हो या ना हो, लेकिन इस देश में लोकतंत्र है, ये इस बात को मान ले। और तमाम लोगों से मैं ये कहूंगी कि ये राजतंत्र के प्रतीक को दिखा करके और दंडवत प्रणाम कर रहे प्रधान सेवक, वो ये जताना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी मनसा चरित्र और उनका चित्र क्या है। आप सभी समझ लीजिए कि इस देश में इस जनता के लिए लोकतंत्र जरूरी है या फिर राजतंत्र जरूरी। जब देश की जनता को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, या देश की जनता को कोई दिक्कत नहीं है कि भाई हमारा नया संसद भवन बना है, पुराने संसद में कहा जाता था जब भाषण होता था तब कुर्सियां बिछाई जाती थी अलग से, क्या हुआ, तो इससे क्या दिक्कत है अगर बनवा दिया? किसने कहा दिक्कत है, किसने कहा दिक्कत है? हम बस इतना पूछ रहे हैं, जो पुराना संसद भवन है वो टपक रहा है, चूराया है, कहा हो रहे हो हमें, हम बस इतना पूछना चाह रहे हैं। दूसरी बात, ये जो पैसा लगाया इसे तुम कहीं और लगा लेते, चलो अब बन गया संसद भवन, अच्छी बात है, इस देश को शुभकामनाएं होना चाहिए, इस देश को शुभकामनाएं कि देश में नया संसद भवन बनाए। लेकिन हमें तकलीफ इस बात से है कि प्रथम नागरिक संविधान की राष्ट्रपति जी महामहिम उनको नहीं बुलाया। दूसरी बात उस संसद भवन के अंदर जो बेटियां सवा महीने से धरना कर रही है, ब्रजभूषण को बिठाया गया, किसानों पर ट्रैक्टर अत्याचार करने वाले के बेटे जिसने किया उसके पिता को वहां बिठाया गया, टैनी को वहां मान लीजिए ना, क्या बोलोगे कि आप दिखाना चाहते हो कि इसका मतलब जो वो नया संसद भवन बना है वो लोकतंत्र से नहीं राजतंत्र से चले। इससे तो ये भी मान मेरा सवाल है, इससे तो ये भी मान सकते हैं ना कि आप कह रहे हैं वहां पर ब्रिजभूषण थे, वहां पर टैनी थे, उससे तो ये भी मान सकते हैं कि कितना आंदोलन उनके लिए किएगा, कितना खिलाफ जो है प्रदर्शन किएगा, सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। देखिए, अब सबको पता है सरकार पर असर नहीं पड़ रहा है, सबको पता है, चाहे वो किसान आंदोलन से लगा लीजिए, चाहे आज तक के जितने आंदोलन है आप सबसे लगा लीजिए, सबको पता है किसी को कोई असर नहीं पड़ रहा, तो सरकार पता है, तो फिर क्यों बैठे हैं सड़कों पर? लेकिन हम उस मिट्टी से नहीं आते, उस खून से नहीं आते जो माफी नामे लिखते हो और जो पेंशनें लेते हो, ये कितना भी ना माने लेकिन हम संविधान के दायरे में अपनी आवाज को उठाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, देश की आवाज उठाते रहेंगे, जनता की आवाज, महंगाई की, शिक्षा की, स्वास्थ्य सुविधाएं की, बेरोजगारी की, क्योंकि इस देश की मिट्टी में उन लोगों का खून लगा है जो शहीद आजम भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, पटेल, सुभाष गांधी, अहिल्याबाई होलकर, झांसी की रानी, गनी, इन सब का करते रहेंगे, रहेंगे जब तक इस देश में। हम तो जाते हैं, कैसे खाली हो गया, कैसे टेंट सब फिर जाएंगे। ये अब ये देख लीजिए इनका, ये जो है ये हम लोकतंत्र के दायरे में जा रहे हैं, ठीक, ये टेंट किस किसके, राजतंत्र के उसमें, और ये प्रताड़ित कर रहे हैं लोगों को, ये जनता देख रही है। राजतंत्र का पाठ आप आज जो पढ़ा रही हैं, इससे अच्छा पाठ राजतंत्र का मोदी जी ने कल संसद में पढ़ा दिया है, वो उन्होंने समझ भी आ गया। अब आप ये देखिए, उन्होंने जो पाठ पढ़ाया है वो उस इतिहास निकालिए, इतिहास खंगालिए, तुम्हारे लिखने से इतिहास नहीं हो रहा, इतिहास इतिहास रहेगा, और इतिहास खुद नहीं लिखा जाता, इतिहास दूसरे लोग लिखते हैं जब तुम्हारे कर्म अच्छे होते हैं, समझ लेना इस बात को। अब जब उन्होंने कल भाषण दिया, मैं देख रही थी, सुन रही थी, उन्होंने उसमें बेहद खूबसूरती से, बहुत फुर्सत से झूठ बोला। सच्चाई क्या लगती है आपको? क्यों? सबको पता, इतिहास 9 साल में आपको एक एक चीज झूठी तो लगी है, 2014 के बाद पूरी पूरी आपको सरकार की जुबान ही झूठी लगी। इतिहास पढ़िए सिंगल क्या है, इतिहास पढ़िए सिंगल क्यों दिया जाता है, इतिहास पढ़िए कि नेहरू जी ने उसको क्यों रख दिया था, इतिहास पढ़िए कि एक भी प्रधानमंत्री ने सिंगल का इस्तेमाल नहीं किया, इतिहास पढ़िए सिंगल को छुआ तक नहीं, इतिहास पढ़िए तब बैठ करके बातें करते हैं, जब चर्चा होगी। एक नया लोकतंत्र बना है, राजतंत्र चाहिए, लोकतंत्र नहीं, और लोकतंत्र चाहिए, सॉरी, राजतंत्र नहीं। हाँ, और आप कह रही है राजतंत्र है, राजदंड का प्रतीक होता है, ये जो प्रतीक है उसके सामने दंडवत देश के प्रधान सेवक का होना, आप क्या कहेंगी? मैं ये कहूंगी, मेरे अपने विचार है कि वो आगा कर रहे हैं हमें कि ये देख लीजिए हमारी मनसा ये है। अब क्या लग रहा है फिर पहलवानों का क्या होगा? देखिए, हिरासत में ले लिया गया, डिटेन कर लिया गया, घसीटा गया, पहलवानों का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, युवाओं का क्या होगा? वही होगा जो ये देश की जनता और ये संविधान
तय करेगा, इनके राजतंत्र से कुछ नहीं होगा। जो सरकार चाहेगी वही होगा, जो मोदी जी चाहेंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं नहीं नहीं, ये माफी मांगने लिखने वाले लोग नहीं है। ये भगत सिंह की धरती है, गांधी की धरती है, सुभाष नेहरू पटेल, झांसी की रानी अहिल्याबाई होलकर, अंबेडकर जी की धरती है, ये गांधी जी की धरती है, ये इंदिरा जी की धरती है जहाँ शहादत गाथाएं हुई है, ये ऐसी धरती है। ये माफीनामे ऐसा नहीं है कि आंदोलन उठा दिया तो फिर नहीं होगा, फिर आंदोलन होगा, कोई बात नहीं। क्या करेंगे ये, क्या करेंगे? क्या देश की बेटियों को गोली से मार देंगे? क्या देश की बेटियों को अगवा कर लेंगे? क्या देश की बेटियों को जबरदस्ती जेल में बंद करेंगे? नहीं ना। अगर ऐसा करेंगे तो वो भी भुगतने के लिए इस देश की बेटियां तैयार है, पीछे नहीं है। इस देश का एक एक नागरिक बेटी के सम्मान में गोली खाने के लिए भी तैयार है, भगत सिंह की तरह फांसी झूलने के लिए तैयार है, सब चीज के लिए तैयार। आपने कोशिश करी थी कलान बांध कर सर पर निकलते हैं इस देश के वो लोग जिनके बुजुर्गों का खून पसीना लगा देश की आजादी में। हाँ, हमने कोशिश की। आप कौन से बॉर्डर पर? मैं गाजीपुर बॉर्डर पर भी नहीं पहुंच पाई थी, 93 में अपना ऑफिस है वहां पर पहुंच पाया। पता चला कि पहले से जो पुलिस ने ऑफिस अरेस्ट किया हुआ था, हमारे तमाम साथियों को अरेस्ट किया हुआ था, तमाम जगह पुलिस लगी हुई थी। अच्छा, वैसे मैं बाहर थी, बाहर से मैं आ रही थी, जैसे मुझे पता चला, मैं अपने जिले में भी नहीं थी, तो वहाँ पे पहले से ही उन्होंने सेटलमेंट सब कुछ किया हुआ था। चले, पूनम पंडित हमारे साथ मौजूद थी और इसी के साथ जो है नया संसद भवन का उद्घाटन हो गया, परंतु विवाद अभी भी छिड़ा हुआ है। उद्घाटन होने के बाद भी लगातार एक विरोध किया जा रहा है, विवाद बना हुआ है। और एक दूसरा जो विवाद है वो है पहलवानों को लेकर, कि अभी जंतर मंतर पर जो तस्वीरें मैंने आपको सुबह की वीडियो में भी दिखाई थी कि पूरा खाली कर दिया गया है, वहां से जितने भी टेंट और तंबू थे वो उखाड़ दिए गए हैं, वो एक बड़ी तस्वीर थी जो कहीं ना कहीं आपको मैंने दिखाई। इसी के साथ हर खबर आप तक दिखाते रहेंगे, जुड़े रहिएगा हमसे, देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।